को संख्या पद्धति हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके से किस नंबर्स को किस पार्ट में रखा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है। तो सबसे पहले नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी भी आपकी काउंटिंग्स होती है वो सारी प्राकृतिक संख्याओं में काउंट की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो काउंटिंग्स है उसकी स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4, 5 से होती है। ऐसी जितने भी नंबर है 1 से लेके नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 से लेके जितने भी आपके एंड ऑफ द काउंटिंग वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल है आपका, इसकी स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जितने भी आपकी काउंटिंग चलती चली जाती है वो सारे। बट इसमें एक मेन चीज जो आपको याद रखनी होती है वो होती है कि जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो 1 से शुरू होती है, ओके। इसकी स्टार्टिंग हमारी 1 से शुरू होती है, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर्स की। तो सेकेंड नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है ये इसमें हम जानेंगे। देखो पहले तो होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर्स की जैसे हमने देखा अभी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो होल नंबर की स्टार्टिंग जो हमारी होती है वो हमारी 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ये भी हमारे जितनी भी आपकी काउंटिंग्स होती है सारी वो सारे होल नंबर्स में काउंट की जाती है, ठीक है। बस नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस एक ही डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होती है और होल नंबर की स्टार्टिंग हमारी 0 से होती है। ये इसमें मेन चीज आपको याद करनी है, इसकी स्टार्टिंग हमारी 0 से शुरू होते हैं। ओके, आई होप आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे नंबर 3 नंबर्स की ओर, जो है हमारे इंटीजर्स, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अब इसे समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तो देखो गाइस, जैसे नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होते हैं, ऐसे इंटीजर्स नंबर भी हमारे इंटीजर्स नंबर्स में हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये तीनों ही नंबर्स जो होते हैं इन सबको काउंट किया जाता है। एग्जांपल में बताती हूँ इसकी जो मेन ये है एग्जांपल में, इसमें -4, -3, -2, -1 इसे हम माइनस के और भी आगे ले सकते हैं और माइनस तक, इसके बाद में जीरो जो हमारा आता है, उसके बाद में पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 और आगे कितने भी हो सकते हैं और इधर नेगेटिव में और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर्स हमारे तीनों तरीके के नंबर्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, नेगेटिव, जीरो, देन पॉजिटिव। तो इसके जो इम्पोर्टेंट थिंग है हम बताते हैं कि इसके अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इनको इंक्लूड किया जाता है, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो आई होप आपको इंटीजर्स भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 4 जो है हमारा प्राइम नंबर। रुकना, नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। हाँ, तो देखेंगे आप प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल, ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 7 हो गया यहाँ पे, सॉरी 11 देन 13। ये नंबर्स हमारे, इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो मेन थिंग्स है याद करने की कि प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जो केवल 1 यानी कि 1 के टेबल में और इटसेल्फ यानी कि अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल में
आते हैं। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिनके आपके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वन और इटसेल्फ, अपना टेबल। तो प्राइम नंबर्स में जैसे एग्जांपल में हमने देखा है अभी टू थ्री, जैसे टू की बात करें तो टू सिर्फ वन के टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में आता है। ऐसे थ्री है जो कि सिर्फ वन के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो ऐसे आपके प्राइम नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारे नंबर्स जो सिर्फ वन के टेबल में और अपने टेबल्स में आते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं हमारे कंपोजिट नंबर की ओर, कंपोजिट नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है इनमें और इनमें, तो देखेंगे हम। तो कंपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में संयुक्त संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो दो से ज्यादा टेबल में आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ, आपके फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व और आगे भी आपके बहुत सारे नंबर्स होते रहते हैं। इसमें लास्ट में ये चीजें रिपीट होती रहती है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हम ट्वेल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर फोर्टीन है तो फोर्टीन भी हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है फोर, तो ये लास्ट में ये नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या इसकी जो मेन थिंग्स होती है वो देखते हैं हम। तो दो से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। तो ये नंबर्स आपके कंपोजिट होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हो हमारा फोर है, फोर की अगर हम बात करें तो फोर हमारा वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है और फोर के टेबल में आता है। तो इसके हो गए ना मोर देन टू फैक्टर्स की वन के टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आ रहा है और फोर के टेबल में आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात सिक्स की करें तो सिक्स हमारा वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है और सिक्स के में आता है। तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर्स जिसके जो ज्यादा टेबल्स में आते हैं तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो इवन नंबर्स हमारे जितने भी आपके टू के टेबल में जितनी भी डिजिट्स आती है वो सारी हमारी इवन नंबर्स होती है। इसके साथ साथ हमारी जो जीरो भी होती है वो भी हमारे टू के टेबल में वैसे नहीं आती है, लेकिन जीरो अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर जीरो है तो यानी कि वो टू के टेबल से डिविजिबल होगा। आप देखते हैं हम टू का टेबल, टू फोर सिक्स एट टेन, आप देख रहे हो ना लास्ट में यहाँ पे टेन में जीरो है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टू के टेबल में आपका लास्ट में अगर जीरो होती है कोई भी डिजिट के लास्ट में तो वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। इसके बाद की अगर आप देखोगे आगे तक, अगर मैं इसका टेबल लिखती हूँ तो वो सारे नंबर जो एंड की जो डिजिट है ना वो सारी की सारी रिपीट होती है। तो ऐसे ही आप इसमें बहुत आगे तक देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टू टू फोर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, बाकी अगर 1000 की बात करें तो ये सारे नंबर्स आपके ये लास्ट की जो डिजिट्स होती है वो रिपीट होती रहती है। तो ऐसे ही जैसे अगर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 या आगे और भी जितने भी नंबर्स आपके आएंगे उसके लास्ट में अगर ये डिजिट्स होगी या फिर सिंगल ये डिजिट्स होगी तो वो सारे आपके इवन नंबर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स की ओर,